नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। मैं गोदी वीडियो का इंटरव्यू अभी भी जा रही है। हम लोग भाग रहे हैं। हमारा भाई इसराइल का ऊपर हमला हो गया। हम लोग इतना दिनों से कहीं छुपे हुए रिपोर्टिंग कर रहा था एक साइड से, अभी वहीं पे अभी शुरू हो गया, हमला शुरू हो गया। हम लोग इतना कुछ नहीं दिखा सकता इतना दिनों से, क्योंकि हमारे ऊपर क्या, ये देखो हमारा भाई बहन भाग रहा है, हमारा भाई बहन गाड़ी से भाग रहा है। व्हाट इज दिस वीडियो मूर्ति का बनवारो। ओ सॉरी, मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। ये देखो इसराइल लाइव नाउ, इसराइल लाइव नाउ। यमनर पर हमला, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया वार करने के लिए। यमन ने ऐसा कोई दस नहीं है, सबसे पहले यमन ने ये टर्म वार करने का कोशिश कर रहा है। ये दुनिया तबाह हो जाएगा, मिडिल हमस के ऊपर हमला करे, लेकिन ये अभी सचमुच वर्ल्ड वार होने को जा रहा है। सारा कुछ दिखाना था, हमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ونحن ومن واقع الشعوب المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية والسجنة والوطنية إنسانية يا من يكون شيء إنسانية تربى دولة الدولوكة इसराइल के कंत्राहवादी ने पर आक्रमण करे, बोला ऑफिशियली डिक्लेयर करे दिसे। हमें कहने का था इंडिया जब हमें इसराइल था इसलिए रिपोर्टिंग करी बो, ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर करे दिसे। कुल वतनिया वस्तिजाबत लिमतालिब शعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله توكلت على الشعب الفلسطيني العزيز وعلي، وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحه بدفعه كبيره من الصواريخ الباليستيه. الله اكبر، दोस्तों तेल एविव, तेल एविव पर अटैक किया है यमन मिसाइल्स। आप लोग को मैं वीडियो में सुनाया है, यमन ने ऑफिशियली वार डिक्लेयर कर दिया। अगर इस वार में अमेरिका या कोई भी आया सामने तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसके पीछे संदेह किया जा रहा ईरान है। ईरान ने अगर इस युद्ध में अमेरिका उतर के आए यमन के खिलाफ तो ये वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ईरान के पीछे रशिया है, उत्तर कोरिया है, चाइना है, ये सब दस्त है। अगर यमन के जो हमला शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी वो ऑफिशियली वार का डिक्लेयर कर दिया है। अगर ये वार शुरू हो गया, जंग हो गया, तो सोचो दुनिया भर तबाह की कंगार पे जाएगी ये दुनिया। तभी मैं जो रो रहा था थोड़े पहले, आप लोगों को रो रहा था मैं, ये सब गोदी मीडिया के एंकरों का रोने की आवाज होने वाला है। गोदी मीडियाओं ने इस आग को बड़ा किया है। ये दुनिया तबाह करने के लिए मीडिया ही सबसे आगे है, और दुनिया तबाह करने वाले में एक है अमेरिका। उसने चाह रहा है, एक नंबर में अमेरिका को कहूंगा, अमेरिका ने जितना अस्त्र दिया है उसको बढ़ावा दिया है इसराइल को, इसराइल ने हंगामा कर रहा है। एक तरफ कहता है मैं नहीं, गजा पर अंदर नहीं जाना है, दूसरी तरफ जाने का हथियार देता है, फौजियों को देता है। ये क्या है? अब गजा के अंदर आज दो दिन पहले कितना लोगों को रिफ्यूजी ऑफिस में मारा गया, लोगों को लगभग 400 लोगों को मौत हुआ है रिफ्यूजी ऑफिस में बम गिराया गया। फिर एक मेडिकल का ऊपर ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा है इसराइल ने, इससे जितना जो पेशेंट है, जितना बीमारी है, सबको हटाओ, ये ऑपरेशन करने जाएगा। जो यूएनए ने इतना दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा है, जो ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, वही
यूनाइटेड नेशन की बात कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका पावरफुल है। अमेरिका की बाइडन की एक आवाज में ऐसे कह रहा है जो हिस्ट्री है, इतिहास है अमेरिका की पावर, लेकिन अमेरिका को वो नहीं पता है जो ये अफगानिस्तान और ताइवान ये सब देशों से भाग के जाना पड़ा था एक टाइम पे। तो वो अपनी ताकत को दुनिया भर दिखाने के चक्कर में अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने को जा रहा है दोस्तों। ये जो वर्ल्ड वॉर अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो कोई नहीं बचेगा, आप हम कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि ये जो दुनिया पे इतना बड़ी बड़ी गोली बारूद, इतना बोम, पारमाणविक बम अस्त्र यूज किया जाएगा, क्योंकि वो जब हालत जिसका पावर कम रहेगा या हथियार कम है वो वही शुरू करेगा। अभी सुनने को जा रहा है जो ईरान के हाथ में वो हथियार है, इसराइल के हाथ में वो हथियार है, और दुनिया का सबसे ज्यादा अगर हथियार है तो सबसे ज्यादा पारमाणविक जो बम है, ये आइटम बम है, ये रशिया का पास है, दो नंबर अमेरिका। अगर ये आप सोचे हमारे गुवाहाटी सिटी में या आसाम के किसी एक जगह में एक पारमाणविक बम गिरा तो यहां से कितना किलोमीटर, कितना जगह दबा हो जाएगा, क्योंकि पारमाणविक बम एक तरफ से नहीं, वो दो तीन तरफ से फंसता है। पहले नंबर सेकंड में इतना कार्रवाई करेगा, और दो नंबर में आपको फिर दो चार सेकंड के बीच दूसरा ब्लास्ट होगा, तीसरी जब ब्लास्ट होगा तो बहुत दूरों से एकदम चिन्ह बिचिन हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल अमेरिका ने दिखाया है, बड़े बड़े देशों ने दिखाया है, कहीं कहीं ये सब एक दो बार इस्तेमाल किया गया है ऐसे जगह पे जहां लोग नहीं है, फिर वहीं से सारा दुनिया का, कहीं जर्मन के एक साइड में किया गया था ये चेक। तो ये सब हथियार जो कभी यूज होगा, और ये यूज होने से दुनिया में ना कोई जानवर, ह्यूमैनिटी कुछ नहीं रहेगा, दुनिया में ना इंसान रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, ऑक्सीजन बीमार, अगर बच भी गया कोई तो उसका बीमार होगा, पंगू होगा, उसका क्या ना जाने बड़ी बड़ी बीमार होगा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। मतलब ये जो हालत बनने को जा रहा है ना, ये हम लोग जैसे बहुत सारा देश खामोश है, ये खामोश के वजह से ये होने जा रहा है। और ये मान्य ऑफिशियली वो फोर्स का नाम क्या है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, फोर्स के कमांडर हेड ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, जो हम इसराइल के खिलाफ वार करने को, ऑफर्शन करने को जा रहा हूं, अमल यानी ऑफर्शन करने जा रहा है, किस लिए, उसमें मिसाइल यूज करेगा, बोमा यूज करेगा, क्या क्या ना यूज करे। और ऑलरेडी आप लोग देखे हैं तो हाँ, इससे पहले भी कितना वार हो रहा है बीच बीच में, लेकिन हमारे गोदी मीडिया ये हालत नहीं दिखा रहा है जो इसराइल के लोगों का क्या हालत है, हर रोज खाने पीने का भी हालत नहीं है, इधर से हमला उधर से हमला। चलो मैं एक इंडियन रिपोर्टर का न्यूज भी सुना के दिखा रहा हूं, आज का अभी इस वक्त थोड़ा पहले की है, अभी वो रिलीज हुआ है, मैं अभी वही सुना रहा हूं, ये सुनिए, ये स्टार दे यहाँ दिखा रहा है, यानी कल की न्यूज है। इसीलिए यहाँ 30 अक्टूबर तो इजरायली सेना को लगातार कामयाबी मिल रही थी, लेकिन इजरायल के लिए असली मुसीबत अब शुरू हुई है। ये पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना को गाजा में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, के बाद इजरायल के 20,000 सैनिक गाजा में घुसे। इजरायली सेना अब हमास के गढ़ में पहुँच चुकी है, इसीलिए उस पर हमास के हमले भी तेज हो गए हैं। हमास और हिजबुल्ला के साथ साथ हुती विद्रोही भी इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। सत्ता में आपको बताएंगे कैसे यमन से इसराइल की तरफ मिसाइल दागी गई।